दोस्तों, राम राम। कैसे हैं सब? मस्त सी लोकेशन आज आए हैं कैंपिंग करने के लिए, झरने के पास। बहुत मुश्किल से है यहाँ पर भी, और इस जगह पर भी कभी मैंने इमेजिन नहीं किया था कभी कोई भी गाड़ी लेकर मैं आ पाऊँगा यहाँ पर। ये चीता है जो मुझको यहाँ पर लेके आई। बहुत ही बढ़िया रिलैक्सिंग प्लेस है, और होप करते हैं थोड़ी थोड़ी बारिश भी होने के चांसेस है। बादल देखिए, डार्क डार्क बादल ऊपर क्रिएट हुए हैं। बारिश हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो झरने के पास झरने की जो साउंड है, पानी की साउंड, उससे क्रिक का रिलैक्सिंग कैंपिंग करेंगे। ठीक है, चलिए सेटअप करते हैं जल्दी से। पानी के पास देखिए दोस्तों, बढ़िया रिलैक्सिंग आवाज़ है झरने की आवाज़ से। हालांकि पानी बहुत ही मड्डी है, मिट्टी भरी पानी है, क्योंकि कल ना बारिश हुई थी इस एरिया में, और ये जो एरिया है ये बारिश वाला एरिया है। नालको दामनजोड़ी अगर आपने सुना होगा तो आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। इस एरिया में हमेशा अक्सर कभी ना कभी, मतलब बारिश के टाइम हो या फिर ऐसे समर के मौसम हो, एक या दो बार बारिश तो होती ही होती है यहाँ पर। इसलिए आज बारिश को पीछा करते करते ढूंढते ही मैं यहाँ पर आके पहुँचा। बादल है, कह नहीं सकते रात को भी बारिश हो सकती है। बाकी ये पानी बहुत ही मड्डी है, अपने को क्या करना है, अपने को तो यूज़ नहीं करना है। इसको धोने के लिए अपने पास सफिशेंट पानी है, और पीने के लिए भी पानी है। इसका सिर्फ साउंड का ही मज़ा लेंगे हम। ये ढूंढते हुए ऐसे पानी गई है, इस एरिया में मैंने एक बार कैंपिंग किया हुआ है, और यहाँ पर आते ही मैंने एक चालाक का काम किया था। सूखे लकड़ी कुछ पड़े थे तो इसलिए मैंने थोड़ा आग भी जला लिया था, क्योंकि ये टेंट वगैरह सेटअप करते करते वीडियो बनाते बनाते देरी हो जाती है ना, तो अगर इसी बीच बारिश आ जाती तो मैं आग नहीं जला पाता, ये भीग जाते। इसीलिए ऑलरेडी आसपास थोड़े थोड़े सूखे लकड़ियाँ पड़े थे, देखिए कुछ कुछ अभी भी पड़े हैं, कलेक्ट कर लिया, आग जला लिया था, उसके बाद सेटअप करना स्टार्ट किया मैंने। तो अभी उसी आग के पास ही जाएंगे, कॉफ़ी चाय कुछ बनाएंगे। ठंडी ठंडी हवाएं तो चल रही है, अभी मज़ा आ रहा है अभी पानी के पास। चलिए अपना डस्टबिन, जो भी कचरा बनेगा इसमें डालेंगे हम।
ज़्यादा गर्म हो गया। ये देखिए आज का कॉफ़ी, घर से लाया था ये कॉफ़ी पीऊँगा आज। दीदी आज आपकी फरमाइश पूरी करने जा रहा हूँ। बहुत दिनों से आप भी कह रही थी प्रॉन्स का बिरयानी बनाओ, तो ये रहा आज मैं प्रॉन लेके आया हूँ। इनका बिरयानी बनाने की कोशिश करूँगा, कभी नहीं बनाया, ज़िंदगी में पहली बार बनाऊँगा। देखते हैं क्या बनता है नए तरीके से, अपने तरीके से। सबसे पहले मैं इनको धो लूँगा, थोड़ा नमक और हल्दी डाल के धो लूँगा पहले, ताकि जो भी खराबियाँ होंगे कीटाणु वगैरह वो मर जाएंगे, साफ़ हो जाएगा अच्छे से, कोई भी स्मेल कुछ भी नहीं रहेगा। उसके बाद मैरिनेट करेंगे। देखिए दोस्तों धो लिया है मैंने इन सबको, अभी थोड़ा मैरिनेट करूंगा इसको, हल्दी पाउडर थोड़ा डाल दूंगा और लाल मिर्च पाउडर। थोड़ा सा मसाला पाउडर भी डाल दूंगा। चलिए ये मैरिनेट होता रहे, बाकी बिरयानी बनाने के लिए प्रिपरेशन करेंगे। अच्छा दिख रहा है, बढ़िया हो गया ना। चलिए अब ज़्यादा तो कुछ नहीं है, धनिया पत्ते लाया हूँ, प्याज लाया हूँ, प्याज काट लेता हूँ पहले। बहुत तेज हवा चल रही है बीच बीच में, ठंडी ठंडी बारिश वाली, लेकिन बारिश का नामो निशान नहीं फिलहाल, अभी तक बादल है काफ़ी सारे ऊपर अभी भी। ये सब कचरा सब इसमें डालेंगे। वहाँ पर तो अपना टेंट है, यहाँ पर चेयर वगैरह सब सेटअप कर लिया, नीचे की तरफ सब सामान लेकर चला आया, क्योंकि यहाँ पर एक तो प्लेन सरफेस से खाना वाना पका सकूँगा आराम से सफिशेंट, और मैं सोच रहा हूँ फायर पिट में खाना पकाऊँगा, क्योंकि बहुत तेज़ हवा चल रही है अभी, बीच बीच में तो हवा के झोंके आ रहे हैं ज़ोर ज़ोर से,
तो अपने छोटे से गैस में खाना पकाना थोड़ा मुश्किल होगा। फायर पिट तो साथ में लाया हूँ गाड़ी के साथ, तो आग जला लूँगा। सोच रहा हूँ आसपास थोड़ा लकड़ियाँ ढूंढ के फायर पिट में ही खाना पका लूँगा। बाकी ऊपर देखिए बादल है अभी, शायद मोबाइल में दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, लगता है कवर कर लिया है चारों तरफ, और एक दो बिजली ऐसे चमक रहे हैं दूर दूर ये उस एरिया में। अभी तक बारिश का नामो निशान नहीं, लेकिन बड़े बड़े बिजली गिर रहे हैं। आज जो मैं बिरयानी बनाने जा रहा हूँ, प्रॉन बिरयानी, वो इस दावत के बिरयानी किट के साथ बनाऊंगा। ये है हैदराबादी ऑथेंटिक रेसिपी वाला बिरयानी, आज हैदराबादी बिरयानी स्टाइल में बनाएंगे। इसके अंदर सब मसाले वगैरह रहते हैं, एक पैकेट चावल बासमती राइस, इसको भिगो लूँगा अभी से ही, तभी मेरा काम आसान होगा। कुछ खड़े मसाले और एक मसाला पेस्ट, ये रायता फिलहाल नहीं डालूंगा, रख लेते हैं। सबसे पहले ये चावल को ही भिगो लेते हैं। तेल गरम हो गया, प्याज वगैरह डाल लेंगे। खड़े मसाले भी डाल दूंगा अभी। देखिए ये प्याज मिर्ची सब कुछ तो बढ़िया से फ्राई हो गया है, मस्त कलर भी आ गया। अब इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन पेस्ट, मसाले भी फ्राई हो गए अच्छे से। अब मिला देंगे प्रॉन्स इसमें, मैरिनेट करके रखा था काफ़ी देर से। दिख रहा है बढ़िया, देखिए मस्त फ्राई हो जाएगा मसालों के साथ ही है तो।
अब चावल डाल देंगे, काफी देर से भिगो के रखा था इसको। धूप के हाथों से इसे मिलाएंगे। और कुछ नहीं, थोड़ी देर ऐसे ढक के पका लेंगे, दम हो जाएगा अच्छे से। चांद भी देखिए दोस्तों, बादल के साथ लुक्का छुपी खेल रहा है। देखते हैं दोस्तों क्या हाल है। ऑलमोस्ट हो गया, ऑलमोस्ट। बस धनिया पत्ते डाल देंगे ऐसे। ज़्यादा नहीं, और 4-5 मिनट ऐसे दम कर देंगे थोड़ी देर। दोस्तों देखते हैं, मेरे ख्याल से तो हो गया होगा। हाँ बढ़िया है, सब कुछ अच्छे से पक गया। प्रॉन भी देखिए दिख रहा है बढ़िया। धनिया पत्तों के साथ परोस लेता हूँ अभी, ऐसा दिख रहा है फिलहाल। देखिए खुशबू तो सॉलिड है दोस्तों, एक नंबर खुशबू। देखिए प्रॉन भी बढ़िया पक गए हैं ना। पता नहीं यार क्या, कुछ पानी पीने आया था लगता है, कोई जानवर सियार है या खरगोश है क्या है पता नहीं, डर गया मैं तो, चौंक गया भाई। खाना खाने बैठा ही था, चौंका दिया इस जानवर ने मुझे। पानी है ना इस एरिया में, ये एक ही रिवर है, इसलिए यहाँ आसपास जितने भी जानवर होंगे यहाँ पर ही पानी पीने आए होंगे, मतलब आएंगे। डर लग गया इसलिए छड़ी उठा लिया तो भाग गया कुछ दूर से ही, पता नहीं चला, इसलिए गाड़ी का लाइट भी थोड़ा लगा लिया मैंने डर के मारे, ताकि खाना खाते वक्त एटलीस्ट कुछ डेंजर ना हो, अगर कुछ हो भी तो मुझे गाड़ी के लाइट से पता चल जाए। चलिए तो खाना ट्राई करके बताता हूँ आपको क्या लग रहा है। खुशबू तो आ हा हा हा, वाह वाह लाजवाब। A1 दोस्तों, A1 शानदार। इस तरफ से काफी धुआं हो रहा था इसलिए जगह थोड़ा चेंज कर दिया, प्लेस थोड़ा मैंने, अभी धुआं नहीं है। नदी के पास हाँ ठंड लेकिन है थोड़ा थोड़ा, पानी के पास सुना इसीलिए, और ऊपर से बादल भी है, अभी भी बरस तो नहीं रहे हैं लेकिन उनके वजह से वो वेदर थोड़ा ठंड हो गया है अभी। चलिए अभी प्रॉन भी आपको तक के बताता हूँ क्या लग रहा है। पकने के बाद ये थोड़े छोटे छोटे हो गए हैं। पक गए हैं ये भी, मजा आ गया, बढ़िया टेस्टी है। कभी भी कैंपिंग में ये प्रॉन बिरयानी नहीं बनाया था मैंने। सॉलिड, तो दोस्तों फाइनली सारा काम खत्म कर दिया मैंने। बारिश तो नहीं हुई जिसकी उम्मीद से मैं यहाँ पर आया था, लेकिन लेकिन ये जो पानी की आवाज़ है, जो झरने की आवाज़, वो भी कोई बारिश से कम नहीं है, मस्त रिलैक्सिंग आवाज़ है, चैन की नींद सो सकता हूँ। हालांकि कुछ जानवर मुझे पास आने जैसे लगे उस टाइम पे, इसलिए मैंने थोड़ा देखा टॉर्च जला के भी, और गाड़ी का लाइट भी थोड़ा जला लिया था, छड़ी लेके थोड़ा दौड़ा भी इधर उधर। बाकी ये जगह तो मेरे लिए फेमिलियर जगह है, कोई प्रॉब्लम ऐसी इशू की बात नहीं है, और गाड़ी तो अपना चीता तो अपने पास ही है,
अगर कुछ ज़्यादा डेंजर मुझे महसूस होता है तो गाड़ी के अंदर घुस जाऊँगा। बाकी डेंजरस फॉरेस्ट जैसा फीलिंग तो थोड़ा थोड़ा आ रहा है यहाँ पर, हॉन्टेड क्रीक जैसा। देखते हैं क्या होता है, अगर रात को कुछ होता है तो आपको अपडेट ज़रूर दूंगा मैं। अभी थोड़ा आग भी जला लिया था, वो जो अंगार थे उसमें और भी कुछ लकड़ियाँ मैंने डाल लिए थे, वो थोड़ा सुलगता रहेगा, धुआं क्रिएट होता रहेगा तो जानवर इतने आसानी से पास नहीं आएंगे। बाकी रिलैक्स करके चैन से सोएंगे, खाना तो मस्त था ही, अब आप लोगों के ऊपर है। आप बताइए, अपना ओपिनियन शेयर कीजिएगा, आपको कैसा लगा वो प्रॉन बिरयानी। पहली बार बनाया था मैं कैंपिंग में, घर में भी कभी नहीं बनाया, पहली बार था, मस्त पेट भर के खाना खा लिया मैंने। बाकी होपफुली ये वीडियो आपको रिलैक्सिंग लगा होगा, अगर वीडियो रिलैक्सिंग लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए। और भी नए नए प्लेसेस जाने की प्लान करूँगा, बारिश तो आ ही रही है, न्यू रेन सीजन, रेनी सीजन में और भी न्यू वीडियोस बनाएंगे अपने चीता के साथ, बिना चीता के भी ऐसे वेरिएशन लाता रहूँगा बीच में। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतना रखते हैं, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा ना। तो जल्दी मिलता हूँ मैं आप सबसे एक नए वीडियो में, इंटरेस्टिंग वीडियो में, होपफुली ब्लॉग में या फिर टेक में या फिर न्यू कैंपिंग में। तब तक के लिए मुझे विदाई दीजिए, टाटा बाय बाय, राम राम। लाइक बट बंद करूँगा, चेंज से सो जाऊँगा।